साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो यही मंत्र है मेरा कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहें और साधु भूखा ना जाए, हमारे दरवाजे कोई भी आकर भूखा और प्यासा ना जाए। यही हम कहना चाहते हैं आप सभी से आज इस वीडियो के माध्यम से। हेलो, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और आज मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। क्या आप एनिमल लवर हैं? अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप भी अगर किसी डॉग्स को बाहर फीड कराते हैं तो क्या आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है जिस तरह की हमें करनी पड़ती है? क्योंकि हम अपने घर से खाना बनाते हैं और खुद खाना बनाते हैं और खुद ही इन्हें देते हैं, किसी से बनवाते नहीं हैं, और घर का काम भी खुद करते हैं और अपने घर का ही खाना देते हैं। हमें कोई भी एनजीओ कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता है। तो जो भी हम अपना राशन होता है उसी में से इनको भी हम फीड कराते हैं। मेरी मम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा खाना देती है। मैं अपनी मम्मी की वीडियो कभी आपको शेयर करूँगी कि मेरी मम्मी कम से कम इस गली में आधे से ज़्यादा डॉगी तो मम्मी ही दो टाइम का खाना तो पक्का देती देती है। तो इस बात से भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और लोग कहते हैं इतना खाना दे रहे हो ये गंदगी कर, अरे डॉग है तो बाहर तो गंदगी करेंगे, घर के अंदर जाके तो नहीं करते ना वो किसी के। तो इस बात की भी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से चिढ़ते हैं कि तुम डॉग पालते हो तुम इन्हें खाना देते हो तो घर के अंदर रखो। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन तो वही है, हमारे घर में तो वेज ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इनको भी मैं ज़्यादातर वेज ही देती हूँ क्योंकि नॉनवेज बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डॉग हैं और इनको सबको नॉनवेज देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम दूध वगैरह ला के रोटी, और बाबू ये चीकू के लिए रखा है थोड़ा सा, ये दूध चीकू के लिए रखा है, चीकू भी पी पीहो जरा, चीकू को दूध दे। अभी शीरो ने दूध पिया है, तीन चार दिन के बाद उसने ढंग से खाना वाना खाया है और अभी मैं दे देती हूँ अपने चीकू को खाना। चीकू तुम भी दूध पी लो बेटा, इसे पी तो लिया था बट ये है चूहा मास्टर, पियो पी लो। सुनो जो जाके वो इतने शौक से दूध पीता है, उसे ये दूंगी ना तो सारा पी जाएगा। इसको देखो चढ़ी हुई बिल्ली। चलो तुम पी लो उसके हिस्से का, चुनो पीलेगा उसके हिस्से का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि हम लोग खाना बनाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें गर्मी भी नहीं लगती, हमें थकान भी नहीं लगती, हमारे घर का राशन भी कम नहीं होता है। और बल्कि इनके लिए जाने कहाँ से आता है, वो कहते हैं ना कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहे साधु भूखा ना जाए। तो हमारा वही हिसाब है कि हमारे घर में जो भी एनिमल आता है, चाहे वो गाय हो चाहे कुत्ता बिल्ली चिड़िया, हमें जो भी मिलता है हम उसे फीड कराते हैं, उसे भूखा नहीं जाने देते और पानी भी रखते हैं। मैंने छत पर एक बॉटल को काट कर गमले में अटकाया हुआ है, उसमें चिड़िया आराम से पानी पी सकती है। और ऊपर छत पर जैकू रहता है तो जैकू का उतना ध्यान नहीं जाएगा, मैंने उसे बिल्कुल कॉर्नर में रखा हुआ है कि जैक उन चिड़ियों को पकड़ ना सके, क्योंकि जैक भी अब हमारे ही घर का मेंबर बन गया है। क्योंकि उसका कोई घर तो है बट वो कहाँ है हमें नहीं पता, अगर वो बोलने वाला होता तो शायद वो हमें बता सकता कि मेरे घर यहाँ है। हमारे पास जो डॉग है वो हमारे चीकू को तो अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि ये बचपन से ही यहीं पर पली बड़ी है। बहुत छोटी आई थी ये 15-20 दिन की, इसकी दोनों टांगें भी टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, बहुत ज़्यादा ही दो बहनें थी तो एक को तो हम नहीं बचा पाए। वो भी हमारे यहाँ रही थी कम से कम 15 दिन, फिर चीकू रही क्योंकि मुझे कैट पालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो इसके साथ ही हमने चीकू को संभाला, कोशिश की संभालने की क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद थी और मेरी मम्मी ने बचपन में पाली हुई है कैट, तो मम्मी को भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था बट मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था बिल्लियों से, अगर छत पे कोई बिल्ली आती थी तो मैं उसे देखकर भाग जाती थी, डॉग से नहीं लगता था कितने भी बड़े डॉग हो, बट बिल्लियाँ एकदम से अजीब सा बिहेव करती है, शोर मचाती है तो उनसे मुझे डर लगता था तो मैं देखकर भाग जाती थी। और जब से हमारी चिकू आई है अब किसी भी बिल्ली से डर नहीं लगता, अब तो बहुत प्यारी लगती है। और जैकू से भी बिल्कुल नहीं लगता, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो गुस्सा दिखा रहा था, मतलब वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था बट हम डरे नहीं और हमने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आज वो हमारे घर का मेंबर है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कुछ भी बचता है, खाना थोड़ा सा भी बचता है, तो प्लीज़ उसे बाहर रख दें जिससे कि कोई एनिमल अपनी भूख मिटा सके। थोड़ा खाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई बार हम भूखे होते हैं तो हमें एक रोटी भी खाने को मिल जाता है, हमें बहुत ज़्यादा हमारा पेट भर जाता है। तो इसी के साथ
लूंगी आपसे इजाज़त। इजाज़त लेने से पहले छत पर पानी रखिए और पक्षियों को पानी दीजिए, क्योंकि वो नीचे आकर तो पानी नहीं पी सकते। और अपने घर के बाहर खिड़की पर थोड़ा सा पानी रख दें, घर के बाहर जो गैया आती है या जो डॉग आते हैं, कैट्स आती है, वो भी पानी पी सके। और छतों पे आजकल बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गर्मी के मारे, क्योंकि आजकल जंगल कटने लगे हैं और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करने लगे हैं, पेड़ पौधे तोड़ते हैं। तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा पानी, थोड़ा खाना छत पर रख दीजिए, जिससे कि उनकी भूख मिट सके, प्यास मिट सके, क्योंकि पानी तो अनमोल है, पानी का कोई मोल नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी से लेते हैं इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। और मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को, मेरे पेट्स को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, देखो मेरे पास तो बैटरी गिरी और दूध है। तो गाइस, अगर आपकी मम्मी की आपको वीडियो अच्छी लगी